19 चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता ने टिकट कटने और टिकट मिलने, कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी, या यूं कहें कि 2019 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, उसका गुणा भाग करना शुरू कर दिया है। 2019 चुनाव आने में थोड़ा ही समय बचा है और चुनाव से पहले नेताओं ने पाला बदलने का मूड बनाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जो पहला नाम सामने आया है वो नाम है रामदास अठावले का। रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वैसे तो अठावले साहब हवा का रुख देख और समझ कर ही बात करते हैं और इस बार वो एनडीए गठबंधन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। एनडीए में आने से पहले रामदास अठावले यूपीए गठबंधन के साथ थे, लेकिन ठीक 2014 आम चुनाव से पहले यूपीए से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो गए और अब फिर चुनाव है तो फिर पलटी मारकर दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं। वहीं इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रामदास अठावले अभी माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है और कौन हल्का है, फिर चुनाव आते ही वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब चुनाव आता है तो पार्टियों के नेता अपना फायदा देखकर इधर से उधर जाने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे नेताओं के इस देश में अनेकों उदाहरण हैं और 2019 आते आते आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे।